आदित्य साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को छुड़ा रहे, बाकी कोई नहीं आया, सब ऐसे आए फालतू आए, बोल बच्चन दे के सब चले गए। हाँ, ये कोर्ट के अंदर हमने ऐसा करे, हमने वैसा करे, आदित्य साहब की मेहरबानी है बहुत। जो 12 नवंबर का मामला हुआ है, इसके अंदर जितने भी लोग बंध है सब बेगुनाह है, और जो भी सब कुछ हुआ, मगर इसके अंदर इसके पीछे छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ आसिफ भाई का है, और आसिफ भाई और जो वकील लोग मेहनत की है, बिला मुआवजा हमारे साथ लगे हुए थे, वो लोग बहुत अच्छा काम किए है। रहमतुल्लाह बरकातहू। गुज़श्ता 12 नवंबर 2021 को जो मामला तशद्दुद का हुआ, और उसके बाद दंगल में हम बहुत सारे लोग यहाँ कैद और बंद लगभग 4.5 महीने से, गुज़श्ता 1.5-2 महीना कब लोग हमारे ईशान भाई जो है, शेख ईशान भाई, ये भी सेंट्रल जेल में किसी फायरिंग के मामले में या क्या मामले में आए हुए थे। हम लोग साथ में थे, 1.5 महीना हम साथ में नमाज पढ़े, साथ में थे। इनका भी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि जब हम लोग परेशान थे, तकलीफ में थे, तो इन्होंने हमारा साथ दिया कैंटीन से लेके। यहाँ जेल ऐसी चीज़ है कि यहाँ एक बीड़ी मिलना मुश्किल रहती है, उस टाइम में इन्होंने कैंटीन वगैरह से सपोर्ट किया। तो इन तमाम लोगों का और जितने भी लोग शहरियान ने हमारे लिए दुआएं की, हमारे लिए कोशिश की, वकला लोग की पूरी टीम जमीयत उलमा और तमाम लोगों के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकुम अल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। 4 महीने से करोड़ी चक्कर मार रहे थे हम बच्चों के दिन, और सब वकीलों का शुक्रगुजार हूँ मैं, और आदित्य साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को छुड़ा रहे, बाकी कोई नहीं आया, सब ऐसे आए फालतू आए, बोल बच्चन दे के सब चले गए। हाँ, ये कोर्ट के अंदर हमने ऐसा करे, हमने वैसा करे, आदित्य साहब की मेहरबानी है बहुत। आदित्य साहब ने सब करा है काम। आज कितने लोग और आज कितने 13 लोग बाहर हुए, उनकी मेहरबानी है, और सब वकील लोग शुक्रगुजार हूँ मैं, और मेहरबानी है उनकी क्या मैं बच्चों को छुड़ा रहे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, वकील लोग का और आसिफ साहब का भी। हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 महीने में छुड़ा है, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, आसिफ साहब का। अंदर है तो 4.5 महीने रहते, कोई किसको पूछने नहीं आया है। फिर आप लोगों के मसले अभी हम लोग को आसिफ साहब निकाले, और हम लोग के घर वाले भी आए, उनके साथ ही आए, गाड़ी भेजे उन्होंने हम लोग को आसिफ। और आपके साथ एहसान भाई, और ये एहसान भाई भी हम लोग के साथ आए हैं, ये लेने को आए हम लोग। आज अल्लाह के फजल करम से जो 12 नवंबर में बेगुनाह लोग सजा काट रहे थे गुनाह किए बिना, तो अल्लाह के फजल करम से इनकी आज रिहाई हुई है। इस अल्लाह के शुक्र है बहुत बहुत कि अल्लाह के फजल करम से इनकी रिहाई होने के बाद में वकला लोगों ने बहुत मेहनत की, वकील लोगों ने, और आसिफ भाई ने मेहनत की, हमारे 21 सेट है, अयूब चाचा है जो शुरू से लगे हुए हैं यहाँ पर,
और अल्लाह से यही दुआ है कि जितने भी लोग हैं अंदर अभी, उनको भी आसिफ भाई कोशिश है कि आसिफ भाई ने आज मिली है कि जब तक कि वो लोग बाहर नहीं आ जाते मैं सुकून से नहीं रहूँगा, सुकून से नहीं बैठूँगा। इंशाल्लाह गाँव वालों से भी यही हमारी गुजारिश है क्या रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह सब के सब यहाँ बाहर रहे या पहले असरे में ही इंशाल्लाह सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। यही लोगों से गुजारिश है क्या सभी के हक में लिए दुआ कीजिए। और इनके अलावा दंगल वालों के अलावा जितने भी बेगुनाह अंदर जेल में कैद है इनके लिए भी खास तौर से दुआ कीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल का मुकाम रहता है अंदर। भाई लोग आए हैं अंदर से, इनको सबको पता है अल्लाह किसी को अंदर ये चीज़ की किसी को ये सज़ा ना मिले। मैं एक तरह से आपसे पूछना चाहूँगा, आपका एक बहुत बड़ा चेहरा मालेगांव शहर में माना जाता है और इसमें क्या कोशिश रही आपकी और किस तरीके से आपने इसमें काम किया और किस किस ने काम किया? जो 12 नवंबर का मामला हुआ है इसके अंदर जितने भी लोग बंद है सब बेगुनाह है और जो भी सब कुछ हुआ हुआ मगर इसके अंदर इसके पीछे छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ आसिफ भाई का है। और आसिफ भाई और जो वकील लोग मेहनत किए बिला मुआवजा हमारे साथ लगे हुए थे वो लोग बहुत अच्छा काम किए हैं कि जितने भी बेगुनाह लोग हैं ये बाहर आ जाए, ये अपनी अपनी फैमिली में जाए। मेरा बोलना यही है कि जो लोग है बस ये दुआ करे कि जितने अंदर है वो भी बाहर आ जाए यहाँ से। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।